नमस्कार दोस्तों, आज हम MPPSC, MPSI, पुलिस कांस्टेबल तथा MP की समस्त परीक्षाओं जिसमें भिंड जिले से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। हमने भिंड जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है, उम्मीद है पसंद आएगा। भिंड जिले की स्थिति मध्य प्रदेश के नक्शा में उत्तर पूर्व में है, जो आप देख पा रहे हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, जिसमें भिंड जिला चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं जो आप देख पा रहे हो, श्योपुर, मुरैना और भिंड। चंबल संभाग में भिंड सबसे पश्चिम में मुरैना तथा दक्षिण में ग्वालियर तथा दतिया से घिरा हुआ है, अर्थात इससे उत्तर प्रदेश के कुल 4 जिले की सीमा लगती है। भिंड जिला का नाम भिंडी ऋषि के नाम पर पड़ा, जो भिंडी ऋषि की कर्मस्थली मानी जाती है। उनके नाम पर ही इस जिला का नाम भिंड पड़ा। भिंड जिला में पहले 4 तहसील थी, भिंड, मोहगांव, गोहद और लहार थी, परंतु अब 7 है। तहसील भिंड अटेर, मेहगांव, गोहद, मिहोना, लहार और रौन है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भिंड के गांव भदौरिया राजाओं के काल से ही स्वतंत्र रहे हैं। भिंड के गांव के लोग के पास रोजगार के लिए कृषि का साधन है। आज़ादी के बाद से ही यहां के लोगों को एक नई पहचान मिली है। वे देश की सेवा में संलग्न हो गए हैं और तभी से यहां के लोग सेना में जाकर देश की रक्षा करते हैं। भिंड बदार ठाकुरों का गढ़ माना जाता है तथा वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भिंड जिले से अकेले 30,000 सैनिक देश की सेवा में तत्पर है तथा सेवारत है। लिंगानुपात, जिले की लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात काफ़ी अच्छा नहीं है, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले का है। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है 825 तथा शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात है 843। लिंगानुपात का आशय है 1,000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। अब यहाँ के ऐतिहासिक किले की बात कर ली जाए तो मल्हारराव होलकर की छत्री 1766 AD में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मराठा जनरल के सम्मान में बनाई थी। यह अपनी सुंदर नक्काशी और शानदार वस्तुकला के साथ अलग है। यह इंदौर में होलकर शासकों के छत्रियों के पैटर्न के समान है, जो फूल और पत्ती के पैटर्न के साथ सजावटी रूप से नक्काशीदार है। मराठा शैली छत्री शिखर गुंबद और कमान के एक सुंदर मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर कलश को बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। छत्री की पहली मंजिल आकर्षक चित्रों से सजाया गया है तथा स्तंभित हाल भी है। उसके बाद है गोहद का किला। गोहद का किला मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद तहसील में स्थित एक दुर्ग या किला है। यह ऐतिहासिक स्थल राज्य के पर्यटन आकर्षणों में से एक है। इस किले का निर्माण राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। अनेक सरकारी कार्यालय इसी महल में स्थित है। इसी महल में की गई शानदार नक्काशी आकर्षक का केंद्र है। यहाँ का कचरी महल ईरानी वस्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसके अंदर स्थित एक महल की इमारत में अनेक सरकारी कार्यालय है। अब बात करते हैं अटेर का किला की। इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने महासिंह और बखत सिंह द्वारा 1664 से 1668 के काल में किया गया था। इसके नाम पर इस क्षेत्र को भदावर के नाम से जाना जाता है। यह चंबल की गहरी वादियों के अंदर स्थित है। वर्तमान में यह खंडर की अवस्था में है। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें हैं खूनी दरवाजा, बदन सिंह का महल, हथियापुर, राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंभा महल है, जो हम आगे देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा खूनी दरवाज़ा। खूनी दरवाज़ा ऐसा माना जाता है कि यहाँ इस दरवाजे से खून नीचे गिरते रहता था, जो आज भी उस स्थान को देखा जा सकता है जहाँ से खून लगातार टपकते रहता था। अर्थात इस खून टपकने की घटना के कारण इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा कहा गया है इसे। जी हाँ दोस्तों, ये रहा 12 खंभा महल। बारह खंभा महल अटेर के किला के अंदर है। 12 खंभा महल यह भिंड जिले में स्थित है। अब बात करते हैं
अब बात करते हैं इसके धार्मिक स्थल, भिंड जिले के धार्मिक स्थल की। इसमें सबसे प्रसिद्ध है माँ रेणुका का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन मंदिर है जो धार्मिक स्थलों में विख्यात है। अब बात करते हैं वन खंडेश्वर महादेव मंदिर। यह भी प्रसिद्ध मंदिर है, इसको पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के पर्यटक स्थलों में से एक चंबल अभ्यारण्य है। इसमें बड़ी संख्या में घड़ियाल, दुर्लभ डॉल्फिन और एलिगेटर पाए जाते हैं। सदियों तक यह बरसात और बाढ़ के कारण मिट्टी के कटने से चंबल घाटी का निर्माण हुआ। चंबल नदी के साथ यह 400 किलोमीटर तक चंबल अभ्यारण्य फैला हुआ है। अब चंबल घाटी अर्थात चंबल अभ्यारण्य का नज़ारा देख पा रहे हो। चंबल अभ्यारण्य रोमांचित करती है। चंबल की घाटियाँ 1769 में स्थापित राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इको रिजर्व है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिलती है। चंबल नदी घुमावदार घाटी, पहाड़ी और रेतीली किनारों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिलती है, तो वो है चंबल अभ्यारण्य। इसकी सीमा तीनों राज्यों से मिलती है। अब हम बात करते हैं गंगेटिक डॉल्फिन। जी हाँ दोस्तों, चंबल अभ्यारण्य में गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगेटिक डॉल्फिन गंगा और चंबल नदी में मिलती है। चंबल में इसकी संख्या 74 है। दुनिया में संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में शामिल गंगेटिक डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसे सन याद रखना है 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाने के साथ ही चंबल नदी में इसके संरक्षण पर काम हो रहा है। अलग अलग स्थानों पर सामान्यतः इसे गंगा नदी डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा ससु हू साइड स्विमिंग डॉल्फिन, दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन आदि नामों से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा, जी दोस्तों याद रखना है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। भारत सरकार ने इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। CITES के परिशिष्ट वन सूची में तथा IUCN की लुप्त प्राय इंडेंजर्ड सूची में इसको शामिल किया गया है। अब प्रवासी पक्षी की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठंडी के समय में साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं। उनमें से प्रमुख पैटेंट स्टार्क के झुंड चंबल के किनारे और शिकार करते देखे जा सकते हैं। हल्के सफ़ेद रंग पर चढ़ा गुलाबी और नारंगी रंग पैटेंट स्टार्क को आकर्षक बनाता है। लंबी पतली टांगे नुकीले चोंच और दूसरों जानवर से अलग करती है। 5 से 10 के समूह में रहने वाले इस पक्षी का अक्टूबर से मार्च तक प्रजनन का समय होता है। गौरी सरोवर जो भिंड में स्थित है। भिंड में शिव के मंदिरों की श्रृंखला 100 से अधिक है जो अपने आप में धाम है। साथ ही इन मंदिरों की अपनी अपनी महत्ता और गौरी सरोवर की नौका विहार अत्यंत मनोरम है। यहाँ राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता का आयोजन होता है। भिंडी ऋषि चौवन ऋषि के वंशज थे जो यदुवंश थे। वन खंडेश्वर मंदिर पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित एक शिवालय है जो गौरी सरोवर के निकट है। जी हाँ दोस्तों, भिंड अंचल की जलवायु सरसों की उपज के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सरसों की फसल के इस समय क्षेत्र के खेत पीले चादर से ढके हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए भिंड के परिप्रेक्ष्य में सरसों को पीले सोना की संज्ञा भी दी गई है। सरसों इस क्षेत्र के किसान की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन में भिंड का स्थान है एवं सरसों को पीला सोना भी कहा जाता है। अब यहाँ की नदियों की बात कर लेते हैं। भिंड जिला एक ऐसा जिला है जिसकी धरा पर 1-2 नहीं बल्कि 9 नदियाँ बहती है। इनमें से 3 प्रमुख नदियाँ हैं जिनमें चंबल, सिंध, क्वारी शामिल है। इसके अलावा वेस्ली आसन झिलमिल नदी है जो यहाँ बहती है। अब यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, भिंड जिले में सबसे कम अर्थात 0.4% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे कम जनजाति भिंड जिला में पाई जाती है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार भुजलिया है तथा भुजलिया का मेला लगता है जो सावन में आखिरी सोमवार को लगता है तथा धूमधाम से मनाया जाता है। मालनपुर भिंड जिला का औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है।
यहाँ फूड पार्क स्थापित किया गया है, अर्थात इसे ड्राई पोर्ट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का ड्राई पोर्ट कहा जाता है। मालनपुर को केंद्रीय सरकार के 6 औद्योगिक शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों अभी चंबल के बीहड़, जी हाँ दोस्तों, भिंड जिले में बीहड़ स्थित है। कुछ समय पहले बीहड़ को डाकुओं की शरण स्थली मानी जाती थी, किंतु अब ऐसा नहीं है, अब सब अर्थात सब सामान्य है। बारिश यहाँ पर कटीले पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। काली मूंछों वाली चावल की प्रजाति, जी हाँ दोस्तों, काली मूंछों वाले चावल की प्रजाति भिंड जिला के गोहद तहसील में यह बहुत अधिक उत्पादन होता है। अर्थात काली मूंछों वाले चावल की प्रजाति अगर पूछा जाता है तो यह भिंड जिला के गोहद में उत्पादित होती है।